जय श्री राम भाई। और आज का दिन है 33वां और दिन शुरू होता है 1 लीटर पानी से। तो भाई सबसे पहले लेते हैं भगवान का आशीर्वाद। तो भाई ये हो गई प्री वर्कआउट मील, जिसमें एक बनाना, बादाम और एक ग्लास दूध थोड़ा गर्म करने के लिए रखा है। और भाई अब ये लगा रहा हूँ बाइसेप्स का वर्कआउट, सिंगल हैंड डंबल कर्ल। इस एक्सरसाइज को आप भी करें, बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा बाइसेप्स की पीक पे। डंबल को आराम से ऊपर ले जाएं और 1-2 सेकंड रोकें और फिर नीचे आराम से लेके आएं, जिससे कि हमारा जो बाइसेप्स है बहुत अच्छा हार्ड हो जाएगा और पीक जो हमारी बाइसेप्स की पीक है बहुत हिट करेगी, आपको फील होगा। इसके बाद हम करेंगे बाबल कर्ल। सेम वैसे ही हमें ये भी लगानी है और बाबल कर्ल में याद रखना कि पूरा हाथ खुलेगा नीचे, काफ़ी लोग खोलते नहीं हाथ को, और वैसे ही 1 सेकंड ऊपर होल्ड करके नीचे आराम से लेके आना है। इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज मैंने लगाई प्री चेयर, इसमें भी पूरा हाथ खोलना है। काफ़ी लोग हैवी वेट डाल लेते हैं लेकिन हाथ पूरा नहीं खोलते, और स्क्वीज करके बाइसेप्स को 1 सेकंड के लिए और आराम से नीचे जाने दो। ये भी आपके बाइसेप्स के हेड को, पीक को हिट अच्छे से करेगा और काफ़ी हार्ड फील करोगे आप बाइसेप्स को। उसके बाद है हैमर, दोनों हाथों से एक साथ हैमर, और इसको थोड़ा सा अंदर की साइड चेस्ट की तरफ मोड़े हाथ को ऊपर लाते वक्त। तो भाई फाइनली आ गए हैं घर, और घर आके पीने प्रोटीन, इसमें डाले हैं ओट्स और 1 चम्मच प्रोटीन। तो भाई अब नहा धो के आराम से बैठ के खाते हैं डाइट। आज खाएंगे वेज डाइट, क्योंकि आज है एकादशी तो आज वेज डाइट खाएंगे, और साथ में लैपटॉप पे काम चल रहा है एडिटिंग का, डेली एक वीडियो डालने का। फिटनेस पे पूरा ध्यान है, पूरे 60 डेज चैलेंज पूरा करूँगा। तो भाई मेरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, और अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी करें। शाम को फिर मैंने लगाई बैक की एक्सरसाइज। पहले हमने क्लोज ग्रिप से पुल डाउन की, बैक पुल डाउन, और इसको लगाते वक्त याद रखना ऊपर हाथ क्लोज रहेंगे और नीचे आके वाइड होंगे। उसके बाद मैंने लगाई डंबल रोइंग। डंबल रोइंग में जितना हैवी वेट लगा सके उतना लगाएं, उतना अच्छा है। तो भाई भाई हैं फाइनली जिम में गया था, बैक का वर्कआउट हो गया फिनिश अपना। अब आके मैंने आज शेक पीने का मन था तो शेक बनाया है, एक जग भर के बनाना शेक, जिसमें प्रोटीन डाला है, दूध डाला है, प्रोटीन और ड्राई फ्रूट ओट्स। फाइनली ये था अपना डिनर।